योर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ल्ड। आज हम ये बताने वाले नहीं आपको कि तैयारी कैसे करें, आज आपको हम सफलता के बारे में बताने वाले हैं जो एग्जाम वर्ल्ड ने हासिल की। एक बड़ी सफलता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम शायद सफल होंगे, लेकिन हमें वो सफलता मिल गई। आपको मैं बता दूं, एग्जाम वर्ल्ड के पास अराउंड 90 स्टूडेंट्स ने लाइव क्लासेस ज्वाइन की थी और उनमें से 40 से अधिक विद्यार्थी JNU में प्रवेश पाने में सफल हुए हैं। सवाल ये था कि जब हमने आरंभ किया था तो एक छोटा सा एक आइडिया लेके कि कुछ करें JNU के लिए, JNU में पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उस चीज को लेके हमने एक एग्जाम वर्ल्ड नाम से अपना जब स्टार्ट किया। संसाधन नहीं थे, क्वालिटी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, एक सपोर्ट दिखाया, विश्वास जताया हम पे कि हाँ ठीक है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है। और हमेशा ये मैं कहता रहा कि JNU इज नॉट ए UPSC। जब स्टूडेंट मुझे कॉल करते थे, बोलते थे सर UPSC की तरह तैयारी करके कब BA का एग्जाम निकलता है, तो मैं हमेशा कहता था JNU इज नॉट लाइक ए UPSC, क्योंकि ये प्लस टू लेवल का एग्जाम होता है, बहुत आसान होता है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लीजिए हो जाएगा। आज एग्जाम वर्ड से 40 है वो जो सिलेक्शन हुए, उसे देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब आप केवल 90 स्टूडेंट्स को आप क्लास देते हैं और उसमें से अगर 40 से ज्यादा सिलेक्शन हो जाए तो इससे बड़ी सफलता और क्या कहूँगा, वो भी बहुत ज्यादा संसाधन ना होने के बावजूद। हम जो ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत की हमने, जो क्लासेस जब हम लगाते थे तो कभी हमने ये नहीं देखा कि आज टाइम कितना हो गया। एक घंटे की क्लास बोलते थे, डेढ़ घंटे तक क्लासें चलती थी, दो घंटा हो जाता था, कभी टाइम नहीं देखा। स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बैंक जो दिए, हमने उनको पढ़ा, उनको वहाँ पे हेल्प मिला। साथ ही एक बात और बता दो, JNU की जो एंट्रेंस परीक्षा हुई BA की, क्योंकि हमने केवल BA की ही प्रिपरेशन करवाई थी, उसमें 2 टॉपर्स भी दिए हैं हमने, जो आपका पर्शियन से हैं और दूसरे जो सेकंड टॉपर रहे हैं वो फ्रेंच से हैं। सो सबसे बड़ी बात यह है कि जब टॉपर्स निकलते हैं तो भी अच्छा लगता है, मेन चीज़ थी सिलेक्शन थे। टॉपर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एनी यूनिवर्सिटी, और लाइफ में टॉप होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जरूर यदि हम सफल होते हैं कि हमने जो लगातार मेहनत की पिछले 5 महीने से, उसके रिजल्ट आज हमारे सामने। आज आपके साथ इस वीडियो में आगे जब जाएंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे आपको बताएंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी आ रहा होगा क्या वो 40 का हमें लिस्ट भी मिल पाएगा, तो ऑफकोर्स आपको वो लिस्ट, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे PDF का आपको उनके नेम की जो लिस्ट है वो दी गई है। फिर भी अगर किसी को ये है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मिलना तो JNU में ही हो पाएगा, लेकिन अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो हम उनको, आप हमें जब टेक्स्ट करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पे, तो हम आपको उनके नंबर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप उनसे जान सकें कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की। और आने वाले जो विद्यार्थी हैं जो एग्जाम वर्ड से भले ही आने वाले समय में क्लासेस लेंगे, मैं उनको भी एश्योर करना चाहूँगा, आपको जो क्लासेस होंगे, कंटेंट्स होंगे, वो इस साल से भी ज़्यादा बेहतर देने की कोशिश होगी, और कहीं ना कहीं आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हों, इसकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी जो सफल विद्यार्थी उनके साथ हैं। JNU आइए और JNU से आके अपने एकेडमिक्स को पूरा करिए। आप लैंग्वेज में आ रहे हैं, लैंग्वेज को बेहतर तरीके से करिए। जो UPSC का तैयारी करना चाहते हैं उनको भी एक यहाँ पे मैं सुझाव जरूर दूंगा, आप पहले लैंग्वेज के ऊपर फोकस करिए, उसके बाद UPSC पे करिएगा, अन्यथा एक कहावत कही जाती है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाली कहावत मत यहाँ पे दोहरा दीजिएगा, क्योंकि अगर हम एक कार्य को एकाग्र होकर नहीं करते हैं तो वो कहावत चरितार्थ हो जाती है, तो वो चरितार्थ हमें नहीं करनी है, इसलिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। एंड हो सकता है आपको मेरा ये कहावत थोड़ा बुरा लगा हो, लेकिन जरूरी है कि आपको मैं बताऊं कि पहले स्टार्टिंग में आप लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ताकि आप उसमें स्ट्रांग हो जाएं। तो गाइज अब आप आगे उन स्टोरीज को देखिए जो स्टूडेंट्स ने शेयर की हैं, और देखिए कि उन्होंने सफलता कैसे हासिल की। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आद्या मिश्रा। आई एनरोल इन एग्जाम वेट फॉर JNU 2020 प्रिपरेशन। आई सिक्योर रैंक 9 एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे। आई कांट इवन एक्सप्लेन इट दैट हाउ मच आई एम हैप्पी टुडे। एंड दीज ऑल ऑफ दीज क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू माय पेरेंट्स, माय गॉड एंड ऑब्वियसली एग्जाम वेट सर, बिकॉज ही हैड हेल्प मी अलॉट अलॉट। आई कांट इवन एक्सप्लेन इट हाउ मच ही हैड हेल्प मी।
apart from the regular classes and the materials which he provide me, the doubt session are really helpful, because in that session you can ask him a lot of questions, the queries which you have to ask him, and he will help you a lot, because he'll go through the all the points which you have any problem or doubts. And he is really nice person. Like, he has treated me as a little sister. Like, he's really nice person. I can't even explain me how much he had helped me for the preparation. Obviously, the efforts, the hard work had been given by me, but he had also helped me that how to study, where to study, because GNU is a preparation in which you have to be very smartly. You have to be do very smart study, because a lot of people try to get admission in GNU, but only few had that opportunity to get, and I'm glad that I am that one of them. मेरा नाम आयुष कुमार मिश्रा है। मैंने 2020 में आयोजित हुए JNU के एंट्रेंस एग्जाम में BA कोर्स के लिए अप्लाई किया था फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैंने पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 12th हासिल किया है। यह संभव हो सका है सिर्फ मेरे माता पिता और मंदीप भैया और एग्जाम भट्ट की वजह से। मैं सारा श्रेय मंदीप भैया, एग्जाम भट्ट और मेरे माता पिता को देना चाहूँगा। एग्जाम भट्ट और मंदीप भैया ना होते तो शायद ये इतना संभव नहीं था जो मैं इस मुकाम पर पहुँचूँ। मैंने इस कोई बुक पढ़ा ना कोई और कहीं से कुछ भी, मैंने सिर्फ एग्जाम भट्ट के नोट्स पढ़े, और मेरे पास आर बुक था भी नहीं थी, स्प्लेंडेड भी नहीं थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ मंदीप भैया ने जो नोट्स प्रोवाइड करवाए थे वो नोट्स बहुत सफिशियंट थे, उनसे बाहर कहीं से पूछा नहीं गया था। और मैं यही कहना चाहूँगा जो मंदीप भैया ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होता और आप मेरा यह वीडियो नहीं देख रहे होते। थैंक यू। Everyone, Sakshi Yadav here, and I have given the JNU BA entrance exam, and I have scored 75 out of 100, and my language was Persian, and my rank was 19 in general category, and 5th rank I have scored in OBC category. And especially for my preparation and for my good results, I would like to thank Mandeep sir and his whole team of ExamWatt, who has helped me a lot through my preparation. The notes which were given to me, and that was very much helpful for me, and that was very much beneficial. The questions were from the notes, and the way of teaching of Mandeep sir is very good, and the live lectures are very much better than recorded lectures. So I would recommend everybody who is seriously preparing for JNU BA entrance exam next year. So I would literally recommend everyone, you should join this class, and you will get the benefit of this. I'm really sure. Thank you. So hi, this is Kunal Bakhti, and I am from Bhagalpur, Bihar, and I have cracked JNU entrance examination this year in 2020 in Korean language, and I am so happy to crack this examination. And you know, it's never easy to crack JNU entrance examination, and no deprivation point, general category student, you know, and that is all possible because of my hard work, my consistency, the belief that I can do it, and surely the blessings of my parents, my teachers and all. And at the last, I just want to thank the team of ExamWatt, the way they have guided us, the way they supported us morally and academically both was just unbelievable. And you know, they made the final change in us, and that was unbelievable. And you know, it's really special to crack this exam. And if you guys really want to crack JNU entrance examination, all I would say that keep working very, very hard, and work daily, be consistent, and never lose faith and hope that you are gonna make it in JNU. And yes, I am Kunal again, and that is all from my side. Thank you. Hello, I recently cleared the JNU entrance exam, and it's all thanks to ExamWatt. I actually came by ExamWatt's video just 7 days before the exam, while I was desperately looking for resources to help me crack the exam somehow. And I came across this video which promised that you can crack the exam just by studying for a week. It sounded like a huge bluff, but it wasn't. I went up to their website and I contacted the person,
and I got an immediate response, and it was very surprising because it was right after midnight, and I started the classes next day, and the classes as well as the resource material, which had the current affairs as well as the pertinent information regarding all the countries, were very, very helpful. I don't think I could have cracked the exam without the resources. Well, thanks a lot, Exam Bat, and anybody who is looking to crack the JNU entrance exam, go for it. Go for Exam Bat crash courses. And hello, I'm Ipshita Jain. I got selected in JNU, which is a happy moment for me and also for my family. I can't even express this in words. I secured 24th rank, which is not so good, but I considered it best because I got this rank in only 10 days preparation, and I can give all this credit to ExamWord because I joined 7 days crash course, and in that he took live sessions in which he gave all the revisions. He also gave 300 question series in which all the important questions are there. I think most of the questions, above 10 questions were asked from that 300 questions, which is very much worthful buying. And their mock tests, their doubt classes, this all are very, very much worthful. So I thank him. स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने आपके साथ शेयर किए, साथ ही बहुत सारे जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे धीरे धीरे सुनने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब की बार हम बैचलर्स के साथ साथ हमारी फैकल्टीज जो आ रही है नई उनके साथ मिलकर मास्टर्स के लिए भी क्लासेस यहाँ पे लेके आएंगे। सो गाइस, जो बैचलर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए या मास्टर्स के लिए, हम फिर कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा हुआ ज्यादा बेहतर होता है फालतू की चीजों को पढ़ने से। यही हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा पॉइंट रहा, ये मूल मंत्र रहा, और यही रीजन रहा कि अराउंड 90 स्टूडेंट्स में जिन्होंने लाइव क्लासेस ज्वाइन की उनमें से हम 40 प्लस सिलेक्शन देने में कामयाब हुए। सो हम होंगे कामयाब एक दिन के साथ। अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जेएनयू में आपका हार्दिक स्वागत है।